अजय सलीम जट नहीं गया। अच्छा अल्लाह तेरे وعليكم السلام الله تعالى شكرا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال بن علي عن عطاء ابن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث تطهر अतत हर री हो तुकफ़ुहा फैज़ा सकनत ए तदलत व कदालिकल मुमिनो युकफ़ाओ बिल बलाए व मसलुल काफिर कमसल अर्दत सम्मा कमसल अर्दत सम्मा मोतदिलतन आपके पास सम्मा के ऊपर पेश पड़ी हुई है। हालांकि ये सम्माओ नहीं बनता, इसलिए कि सम्मा जो है ये हाल है। क्या मतलब अच्छा ये है तो दारस दूसरे में आपने देखा इसे यहाँ पेश सम्मा मोतदिलतन हत्ता यक्से मुहल्ला हो हत्ता यक्से महल्ला हो इज़ा शाह हद्दसन अल हकम उबनो नाफ़ीन अखबर ना शुएब ना ज़ुहरी अखबर सालिम उबनो अब्दुल्लाह अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हा क़ाल समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा क़ायमुन अलल मिंबर انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس اوتي اهل التوراه فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فاوتوا قراءه ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا به حتى صلاه العصر ثم عجزوا فاوتوا قراءه ثم اوتيتم القران फ़ामिल तुम भी हत्ता गुरु भी शमसे फ़ाओती तुम किरातें क़ालत रबना हा उलाए अक़ल अमलन व अक्सर अजरन क़ाल हल जलम तुकुमिन अजर कुमिन शही क़ाल उलाक क़ाल फ़ाल का फ़ली ऊती है मन अशा अल्लाह।
गुज़श्ता दरस में मशीयत और इरादा के अल्फाज जब अल्लाह से मुतालिक होते हैं तो इनके मुतालिक ये बताया गया था कि मशीयत के भी दो पहलू हैं, एक कौनी पहलू है, तकदीरी पहलू, और इसी तरह एक मशीयत का पहलू जो है वो तशरीई ही है, उसे शरी पहलू भी कह सकते हैं। इसी तरह ये बताया था कि इरादे की भी दोनों सूरतें हैं, इरादा कौनी भी होता है अल्लाह का, तकदीरी इरादा भी होता है, और एक इरादा अल्लाह का शरी भी होता है। इस एतबार से उमूमन अहले सुन्नत उलमा इनको मुतरादिफ करार देते हैं। मैंने बड़ी मुख्तसर सी बात ये कही थी कि मुतरादिफ के माने ये नहीं होते कि वो हर पहलू से यकसा होते हैं, बल्कि खुद लफ्ज़ जो मुतरादिफ है इसका माना यह है कि सवारी एक हो, उसके आगे एक आदमी आगे बैठा है, एक आदमी पीछे बैठा है, जो पीछे बैठने वाला उसको रदीफ कहते हैं। हालांकि सवारी एक होती है, अशख़ास दो होते हैं, तो इसलिए मुतरादिफात के दरमियान में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो अगर उजागर किए जाएं तो उनके दरमियान में फ़र्क नज़र आता है। मैं ज़रा इसकी वजाहत करना चाहता हूँ, इसलिए कि आम तौर पर शुरुआत के अंदर इस चीज़ को जो है वो नहीं छेड़ा गया। तो असल बात यह है कि अल्लाह ताला का इरादा कौनी और शरी, अल्लाह की मशीयत कौनी और शरी, इन दो लफ्ज़ों का जो दोनों मैदानों में इस्तेमाल है, इस एतबार से इनको मुतरादिफ तो कहा जाता है, लेकिन वैसे ख़ुद लुगवी माना के एतबार से इनका थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मशीयत और इरादा ये दोनों एक मौका नहीं है, इनका महल जो है वो एक नहीं है। मशीयत के माने चाहत के हैं, ज़ाहिर है कि जो अल्लाह चाहे उसके ख़िलाफ़ तो कोई भी नहीं कर सकता, और ये कौनी मशीयत, और इसी तरह अल्लाह जो हमारे बारे में शरी बात चाहते हैं उसका उसकी तबाह होनी चाहिए, उसकी मुखालफत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इरादे का महल जो है वो इससे आगे है। इसको समझने के लिए चूँकि अल्लाह ताला के बारे में ज़रा मैं चाहता हूँ बेहतियाती हो जाएगी, तो ज़रा इंसान के बारे में ये जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इनको ज़रा इनका लुगवी फ़र्क जो है वो समझ आना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के जो असाफ़ हैं माना मालूम क्या मतलब है कि जो इंसान जो ज़ुबान बोलते हैं उसका जो माना है वो मालूम होता है, उसकी कैफियत जो है वो नामालूम होती है, मजहूल होती है। तो चाहत का मतलब इंसान के अंदर क्या है, इंसान चाहता है कि मैं यानी इंसान कुछ चाहता है, और उसके बाद फिर होता यह है कि अगला मरला ये आता है कि चाहत के बाद फिर इंसान इरादा करता है। इरादे का मकसद ये होता है कि अब चाहत ने जो है वो इरादे की शक्ल इख्तियार कर ली, तो अब जब इरादे की शक्ल इख्तियार कर ली तो ये उससे अगला कदम है। इरादा जो है
वो फिर बायस होता है फेल का, यानी चाहत के बाद इरादा और इरादे के बाद फिर फेल। अल्लाह का ये फजल है कि इंसान जो है वो जब इरादा करता है तो उस पर अल्लाह ताला सवाब तो दे देते हैं, लेकिन जब इंसान जो है वो बुराई का इरादा करे तो गुनाह जो है वो उस पर वारद नहीं होता। ये भी अल्लाह का फजल है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इरादा जो है वो चाहत के बाद का कदम है, यानी उसका जो मरला है वो चाहत के बाद का है अपने लुगवी माना के एतबार से। तो इस एतबार से जो है वो यूँ तशरीह की जाती है कि एक इंसान की चाह है और उसके बाद फिर इंसान इरादा करता है और इरादे के बाद फिर उस इरादे के मुताबिक फेल वजूद में आता है। और यहाँ एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल होता है नीयत का। नीयत और इरादा एक चीज़ नहीं है। इरादा तो वो सबब बनता है जो फेल जो है वो वजूद में आता है, लेकिन नीयत जो है वो एक मख्फी चीज़ होती है जो पूरे फेल के अंदर जो है वो सरायत की होती है। तो मैंने सिर्फ लुगवी तौर पर ये बताया, इसलिए कल मैंने एक लफ्ज़ जो है वो बोला था कि चाहत के अंदर तो तकदीम तख़ीर की बात नहीं होती, लेकिन इरादे के अंदर तकदीम तख़ीर की बात होती है। देखिए ना जी, चाहत तो चाह है, चाह मौजूद है, लेकिन इरादे के अंदर तकदीम तख़ीर की बात यह है कि इंसान जो है जब इरादा करता है तो उस इरादे के बाद कभी काम जो है वो फौरन अंजाम दे लेता है और कभी काम जो है वो फौरन अंजाम नहीं देता, देर से अंजाम देता है। तो ये तकदीम व ताखीर जो है वो इरादे में पाई जाती है, चाहत में नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसका थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये लुगवी एतबार से है। जहाँ तक वो मसला है ना कौनी और शरी, वो दोनों जो है वो इस एतबार से मुतरादिफ है कि जो मशीयत है वो भी कौनी होती है और शरी होती है, और जो इरादा है वो भी कौनी होता है और शरी होता है। और कुरान मजीद की आयात के अंदर जो है वो इसकी मिसालें मौजूद हैं। मैं ज़्यादा मिसालें तो नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको एक एक मिसाल सामने रख दूँ ताकि आपके ये जहन में रहे कि इनका इस्तेमाल जो है वो दोनों मानों में होता है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने अपनी मशीयत की जो कौनी सूरतें हैं उनके बारे में बहुत बड़ी तादाद है। मैंने आपको बताया था कि 400 के करीब जो है वो ऐसी आयतें हैं जिनके अंदर मशीयत का और इरादे का ज़िक्र हुआ है। तो जैसे कि अब कुरान मजीद में यह है कि कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा फलौ शाअ लहदाकुम अजमईन, अल्लाह के लिए पहुंचने वाली दलील है, अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत दे देता, लेकिन अल्लाह ने सबको हिदायत नहीं दी। तो ये देखिए, ये चाहत जो है वो मौजूद है और ये मामला जो है ये कौनी है। शरी तौर पर जो है वो अल्लाह किसी को मजबूर नहीं करते कि वो हिदायत पाए या ना पाए, हिदायत पर चले कि ना चले, ना हदैना उस सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। तो ये मैंने मशीयत के बारे में जो है वो आपको कौनी बात बता दी है। तो इसी तरह जो है वो अल्लाह
अल्लाह हाँ जी चला दिए क्या नेट भी चला गया। अच्छा जा रहे अब मैं आपको मन यशा इल्लाह हो युजलिल हो व मन यशा यजाल हो अला सिरात मुस्तकीम ये सूरत अनाम की जो है वो आयत है जिसको अल्लाह चाहते हैं गुमराह करते हैं और जिसको अल्लाह चाहते हैं सीधे रास्ते पर डाल देते हैं। तो ये शरी मामले की सूरत हाल है जिसके अंदर गुमराही और हिदायत ये दो चीज़ें जिससे वाबस्ता होती हैं। तो आपको मैंने ये बताया है कि मशीयत का इस्तेमाल जो है वो भी दोनों सूरतों में होता है और इरादे का जो इस्तेमाल है वो भी दो सूरतों में होता है। अब देखिए कि अल्लाह ताला जो है वो इरादे के बारे में وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ اللہ جس کو جو ہے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں تجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ تو اس کو بچا لے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا۔ तो ये जो है ये इरादा जो है वो कौनी उसकी मिसाल है। अल्लाह बेकुमुल युसरा वला युरीदु बेकुमुल उसर अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहते। ये देखिए कि या शरीयत का जो मिजाज है उसको बयान किया है। तो जो शरीयत का जो मिजाज है वो ये है कि अल्लाह हमारे लिए आसानी चाहते हैं, इसलिए जब कभी कोई सख्ती की सूरत हाल पैदा होती है अल्लाह उसके अंदर आसानी पैदा कर देते हैं। आपको पता है कि ये रोज़ा ना रख सकने की वजह से या रोज़ा मुश्किल होने की वजह से जो रियायत दी गई है उसके बाद ये आयत वारद हुई है कि अल्लाह आसानी चाहते हैं इसलिए अल्लाह ने तुम्हें जो है वो मुतबादिल सूरतें दे दी हैं कि अल्लाह से भी तुम वाबस्ता रहो लेकिन ये सूरत है कि उस वक्त रोज़ा छोड़ दिया जाए फिर रख दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये शरीयत का मिजाज जो है यहाँ बताया है। तो ये जो है ये दीनी इरादा है। इस एतबार से जो है वो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि मशीयत और इरादा कौनी और शरी दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। लेकिन मैंने बताया कि जो फ़र्क है वो क्या है, मौके महल का जो है वो फ़र्क है कि मशीयत का मौका जो है वो पहले होता है और उसके बाद जो इरादे का जो मसला है वो बाद में पैदा होता है। और इरादे के बाद जो है ये फेल होता है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि इरादे के अंदर तकदीम और ताखीर भी हो सकती है। इंसान की चाहत है, खुद इंसान की बात है कि इरादा अब करे या बाद में करे, दोनों गुंजाइशें मौजूद हैं। अपनी चाहत को पूरे करने के लिए जो है कुछ अच्छा सब्र कर ले, जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई एक आदमी शादी करना चाहता है, शादी जो है वो जल्दी कर ले या ताखीर से कर ले, चूँकि इसका ताल्लुक़ इरादे से है।
लेकिन जो शादी की चाहत है वो वही होती है, उसके अंदर तकदीम व तखीर नहीं होती। तो इसलिए मैंने ये आपसे कहा है कि इन दोनों का जो है वो फ़र्क है। तो इस एतबार से अहल सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ इतना नहीं है कि ये मुतरादिफ़ हैं, उसकी वजाहत जो है वो लुगवी तौर पर जो फ़र्क है, जैसे मैंने कल आपको मिसाल दी थी ना कि माकाना हादर कुरान युफ्तरा मिन दूनिल्लाह वलाकिन तस्दीकल लजी बैन यदैह व तफसीर अल किताब है, व तफसीर अल किताब, पहले कुरान का जिक्र है उसके बाद ये कहा है कि कुरान मजीद जो है ये किताब जिस यानी शरीयत की तफसील कुरान मजीद है, किताब से मुराद शरीयत है और कुरान मजीद जो है वो उसकी तफसील है। शरीयत का कलमा तो सिर्फ एक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन कुरान मजीद जो है वो उसकी तफसील है, उसके अंदर तफसीलात मौजूद हैं। तो यहाँ कुरान का और किताब का जो है वो मुतरादिफ अल्फाज हैं लेकिन इतबारी फ़र्क मौजूद है। इसी तरह जो है वो इरादे में और मशीयत में इतबारी फ़र्क ये मौजूद है मौका महल के अतबार से, कि मशीयत का मौका जो है वो पहले है और इरादे का जो मौक़िफ है जो मौका है वो बाद में है। चलिए इतनी बात जो है मैंने वजाहत कर दी है कि ये भी अहले सुन्नत का ही मौक़िफ है। लेकिन चूँकि जो इल्हादी ग्रोह हैं उनकी मुश्किल और है, उनकी मुश्किल ये है कि वो अल्लाह की मशीयत का इनकार जो है वो करना चाहते हैं। अब जैसे जो कदरिया हैं वो कहता है कि इंसान अपने फ़िर के बारे में इख्तियार रखता है, इसके बारे में अल्लाह की मशीयत कोई नहीं है, इंसान आज़ाद है कि जो चाहे करे। तो इसी तरह जिन्होंने जो है वो सब कुछ अल्लाह की मशीयत ही बना दी वो जबरिया हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह की जो मशीयत है उसके मुताबिक इंसान मजबूर है। लेकिन ये दोनों जो हैं ये इफरात और तफरीत की राहें हैं। सही सूरत हाल ये है कि अल्लाह की मशीयत अगरचे हावी है लेकिन उसके अंदर एक छोटे दर्जे में इंसान की मशीयत भी मौजूद है और वो अल्लाह की मशीयत के ताबे है। इस एतबार से जो है वो हम ये कहते हैं कि इंसान का काम तदबीरी है और तदबीर जो है वो तकदीर के ताबे होती है। कुरान मजीद की ये आयत जो है ना ख़ास तौर पर इसके अंदर तकदीर का और तदबीर का आपस में तकाबुल किया गया है। या बनी अला तदखलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका वमा उग्नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शय इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। यकूब अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपने बेटों को नसीहत की है कि तुमने जो है वो जो दरवाज़े मिस्र के मुख्तलिफ तुमने उन मुख्तलिफ दरवाज़ों से जाना है, इकट्ठे होकर एक दरवाज़े से तुमने नहीं गुजरना। लेकिन उसके बाद फिर वजाहत कर रहे हैं कि ये तो तदबीर है ना, ये मेरी एक ज़रूरत थी बाप होने की हैसियत से मैंने तुम्हें जो है बता दी है। वमा उग्नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शय तकदीर जो है वो अल्लाह के हाथ में है, मैं तकदीर के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फिर कह दिया कि तकदीरी हुक्म जो है वो सिर्फ अल्लाह का है, यहाँ तकदीरी हुक्म मुराद है। तो वैसे सूरत यूसुफ के अंदर ही शरी हुक्म भी मौजूद है, वो क्या है मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला आसमान समैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, वहाँ जो है वो शरी हुक्म मुराद है। क्योंकि वहाँ इससे पहले जिक्र है कि तुमने कई अरबाब जो हैं उनकी पूजा करनी है या तुमने एक रब की पूजा करनी है। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि तकदीर और तदबीर का जो है आपस में ये फ़र्क है कि तकदीर जो है वो गालिब होती है, तदबीर उसके ताबे होती है। इसीलिए ये तो काफिर लोग भी मानते हैं
कि तख्लीक के साथ साथ जो है तदबीर भी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। यानी जैसे कुल मई अर्द हुकुम मिनस समावात वल अर्द मई अब जो समा वल अबसारा व युखरिज अल हय्या मिन अल मय्यित व मई युदब्बिर अल अमर, सूरत यूनुस के अंदर है ना, व मई युदब्बिर अल अमर फसयकूलून अल्लाह। तो रिज़्क़ कौन देता है? वो भी अल्लाह। और तुम्हारी सुनने और देखने की जो सलाहियत है वो भी अल्लाह ने तुम्हें दी है। और इसी तरह वमन युदब्बिरुल अमर, और तुम्हारे जो मामलात हैं उनकी तदबीर कौन करता है? वो भी अल्लाह। ये काफर भी इसका इकरार करते हैं कि अल्लाह ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब रिज़्क़ देना भी रब का काम और दीगर सलाहियतें देना भी रब का काम और इसी तरह तदबीर कायनात भी जो है वो रब का काम है। तो मैंने सवाल क्या पैदा किया था? सवाल तो मैंने जो है वो गालिबन ये उठाया था कि जो तकदीरी तौर तकदीर जो है तदबीर जो है वो तकदीर के ताबे होती है, लेकिन एक है अल्लाह की तदबीर, वो तो खुद तकदीर का हिस्सा है जी। और जो इंसानी तदबीर है वो अल्लाह की तकदीर के ताबे होती है। अच्छा जी, अब चलिए अब कुछ हदीसें पढ़ लें ताकि ये चीज़ें जो हैं वो इमाम बुखारी वादे करेंगे तो कैसे वादे करेंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल जो है वो एक नरम और नाजिक पौधे की है। खामा कहते हैं जो नरम और नाजिक है, जो पौधा बिल्कुल शुरू में निकलता है ना, आप देखिए उसका जो उसकी जो डंडी है वो भी नरम और नाजुक होती है। और अगर उसके पत्ते निकलाएं तो जब तक पौधा नाजुक होता है उस वक्त तक क्या सूरत हाल होती है कि जब हवा चलती है तो फिर पौधा उस हवा के ज़ेरे असर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ये होता रहता है। तो अल्लाह ने इसे मोमिन की मिसाल करार दिया है कि जब उसके खिलाफ हवाएं चलती हैं तो मोमिन जो है वो उनसे उलट पुलट होता रहता है, लेकिन जब हवा जो है वो ठहर जाती है फिर वो इत्तेदाल पर जो है वो कायम हो जाता है। अब यही बात जो है वो अल्फाज में कि मोमिन की मिसाल उस नरम और नाजुक पौधे की है कि जिसके पत्ते जो हैं वो यफीयो मिन हैसु अतत है, वो झुकते रहते हैं जहाँ से हवा आती है, तो कफ्योहा वो जो हवा जो है वो उनको उलट पुलट करती रहती है। जो है वो कफ़ा यु कफ्यो के माने होते हैं उलट पुलट करना। तो फैज़ा सकतत सकनत, जब हवा जो है वो ठहर जाती है तो ए तदलत फिर जो है वो पौधा जो है वो अपनी असल जो उसकी हालत है उस पर जो है वो कायम हो जाता है। वकज़ालिक अल मोमिन जो कफ़ा बिल बलाए, इसी तरह मोमिन होता है कि जो उसे सख्तियाँ जो पहुँचती हैं वो उन सख्तियों के साथ जो है वो उलट पुलट होता रहता है, लेकिन वो उलट पुलट होने के बावजूद अपने रब से ताल्लुक़ जो है वो नहीं तोड़ता। तो जब ये रब से ताल्लुक़ नहीं तोड़ता तो यही उसकी आजमाइश थी, उसमें वो कामयाब हो गया। तो काफर की मिसाल जो है वो आपने ये दी कि उसकी मिसाल जो है वो शमशाद का दरख्त है। शमशाद का दरख्त जो है ये हमारे चिलगोज़ा जो होता है चिलगोज़ा, इसके दरख्त को फ़ारसी में शमशाद कहते हैं और अरबी में इसको अर्ज़ा कहते हैं। तो हमारे उर्दू में इसको बोलते हैं सनूबर,
जिस चौगा से कहते हैं। तो कहा कि इसकी मिसाल जो है वो सनूबर का दरख्त है, और सम्मा जो है सम्मा के माने ये है कि सम्मा उसको बोलते हैं जो बुत की तरह जो है वो खड़ा हो, इसको अगर कोई तब्दीली ना आए। और मौत अदलतन का माना बुत की तरह है और उस्तवार भी है, हमवार भी है। इस असल में ये दरख्त सनूबर का बहुत ऊंचा होता है और इतना मजबूत होता है कि हवाएं जो हैं चलती रहती हैं, इसको कुछ नहीं होता। हाँ, अगर इतनी तेज़ हवा आए कि उसे जो है तोड़ कर रख दे, फिर भी तो कहा काफिर की सुतारी होती है। नहीं, मुसलमान आजमाइशों से गुजरता रहता है और ये आजमाइशें जो हैं उसकी तरबियत करती रहती हैं, और काफिर जो है उसको अल्लाह ताला आराम देते हैं कि जा, और वो जो है वो अपनी तमाम कोशिशें जो है वो ऐश इशरत के लिए गुजार देता है अल्लाह को भूल कर, और उसके बाद जब मौत आती है तो बहुत जल्दी बस उसके हवाले हो गया। बल्कि ऐसा भी होता है कि जब कोई तकलीफ़ आती है तो फौरन जो है वो खुदकुशी की सूरत बन जाती है, खुदकुशी कर लेता है। तो इसलिए मुसलमान की और काफिर की ये मिसाल है। ये हदीस जो है ना, ख़ास तौर पर मैं इस मौके पर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सहाबा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हुआ था कि मन युरिदिल्लाहु बिहि खैरन युसब्बिहु, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं उसको अल्लाह तकलीफ़ें देते हैं। इसलिए ये जो बात है सहाबा कराम के अंदर बड़ी अहम थी कि अगर सहाबा को कुछ अरसा कोई तकलीफ़ ना आए तो उन्हें ख़तरा पैदा हो जाता था कि क्या हम मुनाफिक तो नहीं हैं, क्या अभी तकलीफ़ कोई नहीं आई। तो इस एतबार से जो है वो सहाबा परेशान हो जाते थे। तो इसका माना यह है कि मोमिन जो है वो मैंने इस दफ़ा जो खुतबा दिया उसके अंदर मैंने जो है ये बात जो है वो वाज़े की थी कि इंसान को दुनिया के अंदर अगर बहुत ज़्यादा आफियत में मिल जाए, एक सदमा ऐसा है कि उससे इंसान कोई नहीं बच सकता, और वो क्या है कि अजीज़ व अक़ारिब उसके सामने मर जाए, इस सदमा से कोई नहीं बच सकता। तो इस एतबार से जब अजीज़ व अक़ारिब की मौत है उसका सदमा तो उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, बल्कि वो एक वाक़या जो है वो लोगों ने जैसी भी सूरत हाल लोगों ने बनाया हुआ है सबक के तौर पर कि बादशाह ने ख्वाब देखा कि मेरे तमाम दांत गिर गए हैं, तो ताबीर करने वाले ने ताबीर ये की कि आपके रिश्तेदार तमाम आपके सामने मर जाएंगे। दूसरे ने इसको एक और अंदाज से पेश किया जो एक रोशन पहलू था, वही था, उसने कहा जी आपकी उम्र सबसे लंबी होगी। अब जिसकी उम्र सबसे लंबी होगी उसके सामने सारे उसके अजीज़ वक़ारिब मरेंगे, तो इस सदमे से तो कोई इंसान नहीं बच सकता। तो इसलिए अगर इंसान ये चाहे ना कि मुझे बिल्कुल कुछ सदमा आए, ये नहीं हो सकता। हत्ता कि खुद जो मौत का सदमा है, काफिर ये चाहता है मुझे मौत ना आए, देखिए मौत अल्लाह देख रहते हैं, काफिरों को भी मौत आनी है। तो इसीलिए कहा ना कि अगर वो कैसे कुरान की आयत है कि अफा इमिता फहमुल खालिदून, कि अगर तूने मरना है तो इन्होंने हमेशा रहना है, इन्होंने नहीं मरना, यानी मौत तुम्हारे को आनी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये वो चीज़ें हैं जो इंसान नहीं चाहता लेकिन अल्लाह की तरफ से पूरी होकर रहती हैं। चलिए जी अगली हदीस, उसमें यह है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस है। एक बात वैसे है तो तारीखी, लेकिन मैं ज़िक्र कर दूं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो जंग के नतीजे में जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के नतीजे में, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के नतीजे में जो लौंडी गुलाम मिलते थे, उनके अंदर हमेशा इस बात का ध्यान रखते कि उन लौंडी गुलामों का मुकाम क्या है। तो
जो किसरा के साथ आप जंग जो हुई है उसमें फतह हुई थी, और किसरा की जो बेटियां हैं यजदजर उसका नाम था, उसकी जो बेटियां थीं कई बेटियां जो हैं वो लौंडी की सूरत में आई थी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो उन लौंडियों की तकसीम करते वक्त ये ध्यान रखा, एक लौंडी तो दे दी हज़रत हुसैन को जिसका नाम शहरियार था, और एक लौंडी दे दी मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे को जो फुकाहे सबा में शामिल है, कासिम नहीं, मोहम्मद बिन अबी बकर को दी है उसमें से कासिम पैदा हुए हैं, और जो हज़रत हुसैन को दी है उनमें से ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए हैं, और एक लौंडी जो है वो हाँ एक लौंडी दी है अब्दुल्ला बिन उमर को, अब्दुल्ला उससे सालम पैदा हुए। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए ना, अब ये सारे ही हम लोग हैं, अब्दुल्ला बिन उमर की अहमियत तो ये है कि जो बहुत शानदार खलीफा हुए हैं उनके बेटे हैं, और मोहम्मद बिन अबी बकर की अहमियत यह है कि अबू बकर सिद्दीक के सबसे छोटे बेटे हैं, चहेते भी थे, और ये मोहम्मद बिन अबकर वो हैं जो हजतुल वदा के मौके पर जो है वो पैदा हुए थे, मोहम्मद बिन अबकर वही हैं। अच्छा। इसीलिए अल्लाह के रसूल के ज़माना में तो ये बिल्कुल यानी हजतुल वदा के बाद तो आप तो सिर्फ ढाई महीने रहे हैं जिंदा, तो ये वही है ना उम्मे उमैस जो है, हाँ अस्मा बिन तो उमैस, अस्मा बिन तो उमैस जो है उनको हजरतुल वदा के सफ़र के दौरान में ये पैदा हुए थे, तो उनको दी एक लौंडी मोहम्मद बिन बकर को, और एक लौंडी जो है वो मैंने बताया ना कि हज़रत हुसैन को दी है जिससे ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए हैं। नहीं इसको छोड़िए, आप बादशाह की बेटियां जो होती है शहजादियाँ होती हैं, नस्ली नस्ल छोड़िए कि नस्ल अच्छी है कि नहीं, लेकिन शहजादी शहजादी होती है। बल्कि एक बात तो वैसे मजाक ही है, इंसान का जो है वो मजाक चलता है, मैं जो है वो आम तौर पर अपने घर में मुतमईन करने के लिए एक बात कहता हूँ कि मिसेज मदनी कोई आम औरत नहीं बन सकती, नहीं नहीं वो तो खैर अलग बात है ना कि आप तबसरा कर रहे हैं, लेकिन ये बातें जो होती हैं ना मियाँ बीवी की आपस में ये तसल्ली के लिए होती हैं, इसलिए कि जिसकी शादी जो है मेरे साथ होगी वो मिसेज मदनी होगी, तो इसलिए बादशाह के साथ जो सौदों की शादी हो जाए वो तो मलका बन गई, अब ये नूर जहाँ जो है मलका बन गई थी जहांगीर के साथ शादी के बाद, वो इतनी ज़्यादा छाई हुई थी कि जो जहांगीर से कहती थी वही बात मनवा लेती थी, तो कहने का मकसद ये है कि मलका जो है वो बादशाह की वजह से होती है, इस तरह शहजादी भी जो है वो बादशाह की वजह से होती है। चलिए अब आगे जो है वो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि वह हुआ कायमुन अलल मिंबर, के आप मिंबर पर खड़े थे और ये बात फरमा रहे थे कि इन्नमा बकाउकुम फीमा सरफा कबलकुम मिनल उमम, तुम्हारा जो ठहराव है दूसरी उम्मतों के मुकाबले में वो बहुत थोड़ा है, यानी मतलब है ये उम्मत जो है इसकी मुद्दत बहुत थोड़ी है जो है, और यानी उम्रें बहुत थोड़ी हैं, ये मतलब था, इसलिए कि वैसे तो जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर ता क़यामत है, लेकिन जाहिर है कि वो तो यखलफ़ बाज़ हम बाज़ के तहत है ना, कि नस्लें जो हैं बदलती रहती हैं, क़ुरून बदलते रहते हैं, तो लेकिन एक कर्न जो है वो बहुत छोटा है, यानी हमारी उम्रें जो हैं वो अमूमन 60-70 साल हैं, जबकि पहली उम्रें जो थीं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल, हज़रत नूह की जो है वो तबलीग 950 साल है, तो उम्रों का खुद मामला बन रहा है,
तो कहने का मकसद यह है कि इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए लैलतुल क़द्र बनाई है कि हम इबादत के अंदर जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जो हज़ार महीनों से ज़्यादा सवाब लैलतुल क़द्र का है। तो अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि तुम्हारी पहली उम्मतों के मुकाबले में तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कि असर से लेकर मगरिब का वक्त होता है। और आपने फिर यह फरमाया इसकी वजाहत करते हुए कि तौरात वाले जो हैं वो तौरात दिए जाते हैं, दिए गए और उन्होंने उस पर फिर अमल भी किया, हत्ता इन तसफ़ नहार, यहाँ तक के निसफ़ नहार आ गया यानी सूर्य ढल गया, तो ये इन्होंने सुबह से लेकर निसफ़ नहार तक जो है वो इन्होंने मेहनत की है, काम किया है। सुम्मा अजज़ु, फिर वो थक गए, जब वो थक गए तो फ़ौतु क़िरातन क़िरातन, तो उन्हें जो है वो क़िरात जो है वो दिया गया। क़िरात तो वैसे निसफ दाना के बराबर होता है, बाज़ लोगों ने जो है इसकी मकदार भी जो है वो पेश की है, 255.1 ग्राम जो है। तो अब ये जो है कि उन्हें एक एक किरात दिया गया, फिर जो है वो अहले इंजील जो है उन्हें इंजील दी गई, ज़ाहिर है कि तौरात के बाद अहले इंजील आए हैं। तो मैं बता चुका हूँ कि इंजील का तौरात के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये असल में तौरात की कमज़ोरियाँ नहीं बल्कि तौरात पर जो अमल करने वालों के अंदर कमज़ोरियाँ पैदा हुई थी उनकी इसलाह के लिए फिर इंजील आई। तो इंजील ने जो है वो इसके अंदर एक तो जो फ़िकी जमूद पैदा हो गया था उसकी फ़िकी जमूद का इलाज करके उसके अंदर लचक पैदा की, और दूसरी बात यह है कि मिसालों के ज़रिए से जब किसी की कोई मिसाल मौजूद हो तो इसके अंदर वसत आ जाती है। तो मिसालों के ज़रिए से जो है वह शरीयत के अंदर वसत यानी इंजील वसत और जमूद यानी वसत की भी हामिल है और जमूद का भी इलाज है। तो इस एतबार से जो यहूदियों ने जो ख़राबी पैदा की थी उनकी इसलाह के लिए फिर अल्लाह ने इंजील उतारी है। हमारे किताब सुन्नत के अंदर जो है ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, वसत भी मौजूद है और जो है वो जमूद भी नहीं है। तो इस एतबार से जो है किताब सुन्नत पर अमल होना चाहिए, उसके बाद जो जमूद पैदा होता है वो हमारे इज्तिहादात के नतीजे में पैदा होता है, हमारे इज्तिहादात के नतीजे में जो है वो फ़िक़ह तैयार होती है। और फ़िक़ह जो है वो एक पहलू होता है, एक पहलू का माना ये है कि उसमें वसत नहीं है, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कलाम है वो तो जामिउल कलम होती है और फ़िक़ह के अंदर वो जामियत होती नहीं, वो एक पहलू का इजहार होता है, इसलिए कि जो मसला पेश आता है उस मसले के मुताबिक जो है वो राय दी जाती है शरी। ये मैं वैसे आपको बहुत तफसील से ये चीज़ें बयान कर चुका हूँ लेकिन गाहे बगाहे फिर मैं इसलिए दोहरा देता हूँ ताकि कहीं आप भूल ना जाएं। अच्छा जी, उनकी मिसाल क्या है कि ज़ोर से लेकर जो है वो असर तक उन्होंने काम किया, फिर वो भी थक गए तो उनको भी एक एक किरात दे दिया गया। अब तौरात वालों की मेहनत ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, इसलिए कि निसफ नहार तक है और बाकी जो निसफ नहार था उसके दो हिस्से हो गए, एक तो इंजील वालों का हो गया ज़ोर से लेकर असर तक। फिर मुसलमानों को जो है वो कुरान दिया गया तो उन्होंने कुरान के मुताबिक फिर अमल किया हत्ता के सूरज ग़ुरूब हो गया। अब सवाल यह है कि अगर आप हमारे जो गड़बड़ है ना नमाज़ों की तख़ीर उसको ना देखें तो ज़रा अंदाज़ा करें कि इसमें तो खैर कोई शुबा ही पैदा नहीं होता कि निसफ़ नहार तक जो है वो सबसे लंबा वक़्त है, ख़ास सर्दियां हो या गर्मियां हो, लेकिन जो है ना ज़ोर से लेकर असर तक उसका जो वक़्त है वो लंबा होता है। मसलन गर्मियाँ ही आ रही हैं तो आप देखिए कि ज़ोर की नमाज का जो वक़्त है वो तकरीबन 12 बजे होता है और 12 बजे से लेकर फिर अभी तो गर्मियाँ पूरी नहीं आई, ये मज़ीद जो है ये 4:30 तक हो जाएगा, तो अभी जो है वो 4 बजे तक हो रहा है, तो हम तकरीबन जो है वो 4 बजे जो है वो असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये 4 घंटे हुए ना 12 से लेकर 4। अब उसके बाद देखिए कि असर अगर जो है वो आजकल 4 बजे हो रही है या 4:30 होगी, तो मगरिब आजकल मगरिब जो है वो 6:15 हो रही है,
तो 4:15 से लेकर 6:15 सिर्फ 2.25 घंटे हैं, और जोर से लेकर असर तक का वक़्त जो है वो 4 घंटे हैं। तो इसका माना यह है कि उनकी मेहनत ज़्यादा है। लेकिन अब जो सवाल पैदा हुआ वो यहाँ से ये पैदा हुआ कि मुसलमानों को जो है वो उम्रें कम मिली हैं, इसलिए उनकी आजमाइश भी थोड़ी है कम उम्र होने की वजह से। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आप देखिए कितनी सख्ती है कि 950 साल तबलीग करते हैं और मुसलमान कितने हुए हैं, 80 के करीब। तो कहने का मकसद यह है कि ये मुसलमानों के लिए रियायत हो गई, उम्रें छोटी होने की वजह से आजमाइश थोड़ी है, लेकिन बदला क्या दिया, 2 किरात। अब वहाँ जो है वो एक सवाल पैदा हो गया, सवाल कह ले अल्लाह के सामने तो ज़ाहिर सवाल ही हो सकता है। तो उस वक़्त जो है वो आपस में मुसाबकत होती है, तो जो खुद तौरात वाले हैं, इंजील वाले और मुसलमान, ये मैंने इसलिए यहाँ यहूद और नसारा की बात नहीं कही कि यहाँ मुराद वो लोग हैं जो नेक हैं, दीन पर चलने वाले, यानी अहले तौरात और अहले इंजील और अहले कुरान। अब इनको जब बदले में जो है या इनाम में जो फ़र्क डाला गया है, बिल्कुल सूरत ऐसी है जैसे कि अब बाप होता है वो अपनी औलाद को जो है वो जब कोई चीज़ देता है तो उसको हुक्म है कि औलाद के दरमियान में अदल कायम रखो। तो वैसे तो बात यह है कि इन चीज़ों का बड़ा ध्यान होता है, बहुत से ख़ानदानों के अंदर ये होता है कि कोई बेटा हो या बेटी उसको खुसूसी अहमियत दे दी जाती है और वो ज़्यादा चहेता बन जाता है। फिर ऐसे ही जो बच्चे होते हैं आमतौर पर ख़ानदानों को तबाह करते हैं। हमारे वारिस साहब जो कि बहुत ज़्यादा हसास थे, हमारी माशाल्लाह हम जो है वो 10 बहन भाई थे, तो हमारे वारिस साहब अगर एक को प्यार करते हैं सारों को बुलाकर जो है वो प्यार करते हैं, इतनी जो है वो ध्यान रखते थे। तो वैसे तो कोई हुसन हो, खूबसूरती हो या खिदमत और मोहब्बत की बात हो, औलाद का फ़र्क होता है, लेकिन माँ बाप को फिर भी हुक्म है कि आपने फ़र्क नहीं करना। तो ये इत्तेदा जो अदल है उसका हुक्म है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का मामला जो है वो मुख्तलिफ है, इसलिए मुख्तलिफ है कि किसी इंसान को जो जन्नत मिलेगी उसके अमलों की वजह से नहीं मिलेगी। ये जन्नत चूँकि अल्लाह का फ़ज़ल है, तो इसलिए जब ये सवाल उठेगा जी अहले तौरात का और अहले इंजील का, अहले तौरात का तो सवाल ज़्यादा ज़ोरदार होगा कि मेहनत सबसे ज़्यादा और बदला सिर्फ़ 1 किरात, और अहले इंजील का जो है वो चलिए एक दरमियानी सी मेहनत है लेकिन बदला फिर भी हमें 1 किरात, और मुसलमानों को जो है वो सबसे कम मेहनत और बदला 2 किरात। तो अल्लाह उसका जवाब क्या देंगे कि ये तुम्हारा इस्तेकाक नहीं है जो तुम्हें तकसीम किया जा रहा है, ये असल में अल्लाह का फ़ज़ल है, और ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती है मैं शाह। तो यहाँ अल्लाह का फ़ज़ल है, और ये अल्लाह का फ़ज़ल जो है ये अल्लाह की मशीयत पर मबनी है, और ये जो मशीयत पर मबनी है ना, ये वो जगह है जो महल्ले शाहिद है कि अल्लाह का फ़ज़ल जो है ये अल्लाह की मशीयत है। इसलिए चलिए एक और बात है जिसकी मैं वजाहत करना चाहता था, लेकिन फिर किसी वक़्त वो आपको पहले मैं वजाहत कर चुका हूँ कि अल्लाह की जहाँ बदला देने में जो है वो अल्लाह पाबंद नहीं है ना यकसानियत के, इसी तरह जो है वो जहन्नम में जहन्नम से निकालने के लिए भी जो है वो अल्लाह पाबंद नहीं है। इसलिए मैंने इस मौक़िफ़ को तरजीह दी थी कि जहाँ तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश है और दीगर अंबिया की सिफारिश है और फरिश्तों की सिफारिशें हैं, इसी तरह जो है वो मोमिनों की सिफारिशें हैं, ये तमाम की तमाम सिफारिशें जो हैं इनका नतीजा ये है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं ना उनको निजात मिल जाएगी। लेकिन अब अरहमुर राहिमीन का जो मामला है वो उसकी मशीयत पर मबनी है, उसकी मशीयत में कौन कौन आता है कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए उस मशीयत की कैफियत हम नहीं पेश करते। हमारे लोगों की कमज़ोरी असल में ये है कि हम सावकात यूँ करते हैं कि हम जो है वो अपने अफकार का अल्लाह को पाबंद करना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह हमारे अफकार का पाबंद नहीं है, अल्लाह अपनी
مشیت کے مطابق کام کرتے ہیں. تو یہی وہ خرابی ہے جو فلاسفہ نے اور متکلمین نے پیدا کی ہے کہ انہوں نے جو اپنے عقلی اصول تھے نا ان کا اللہ کو پابند کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. اور اتنا ان کا زوردار سلسلہ ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ڈول جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں میں عربی شروع کا مطالعہ کرتا ہوں وہاں میں گاہے بگاہے جو ہے وہ اردو شروع بھی دیکھ لیتا ہوں کہ دیکھیے ان کا موقف کیا ہے. یہ جو کذب باری تعالیٰ کی بات ہے نا یہ اٹھائی گئی ہے چونکہ معتزلہ کے نزدیک جو ہے وہ انسان کے جو افعال ہیں اس کا خالق اللہ نہیں ہے. ان کا رد کرنے کے لیے امام بخاری نے خلق و افعال لبات کتاب لکھی ہے نا. تو چونکہ معتزلہ کے نزدیک جو ہے وہ انسانی افعال کے خالق خود انسان ہے تو اس اعتبار سے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت جو ہے اللہ ہر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ جھوٹ بول نہیں سکتے یہ بات غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کی قدرت جو ہے ہر چیز کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جھوٹ تو جو ہے وہ بولتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو. دیکھیے نا ایسے جھوٹ ہیں تین جس کی اللہ نے رعایت دی ہے وہ شریعت کے اندر موجود ہیں. ایک انسان جب قتال کرتا ہے جہاد کرتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ دھوکہ فریب بھی ہوتا ہے. یعنی قتال کے اندر جو ہے وہ دھوکے فریب کے بغیر قتال نہیں ہوتا. اسی لیے الحرب خدا جنگ جو ہوتی ہے وہ دھوکہ ہوتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا آدمی جو ہے وہ جنگ کے اندر زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک دوسرا موقع ہے وہ یہ ہے کہ کسی مظلوم کو بچانے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بول کر اس کی جان بچانی. اور تیسری صورت جو ہے وہ میاں بیوی کی جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر تھوڑی بہت گنجائش رکھی ہے. جیسے کہ اب عورت خدمت تو کرتی ہے لیکن اس کی بڑی چاہت ہوتی ہے کہ میرا خامن جو ہے میری تعریف کرے. تو بسا اوقات تعریف میں جو مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے نا اس کی گنجائش موجود ہے. اور یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. تو یہ جھوٹ جو ہے آپ دیکھیے کہ شریعت میں موجود ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کذب باری تعالیٰ جو ہے اللہ کا امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ بالکل غلط ہے. اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ افسد السار حماد جو ہیں ان کا موقف بھی یہی ہے کہ امکان کذب باری تعالیٰ جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی بالکل میں بتاتا ہوں کہ اہل حدیث علماء جو مفتی ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن میں نے اس لیے نشاندہی کر دی ہے کہ عام طور پر ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ جو شیخ الحدیث ہیں عربی زبان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے, وہ اردو کا ہے. تو اس اعتبار سے انہیں کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں, خاص طور پر ہمارے پاک و ہند کے علماء کی. چلیے جی میں نے آپ کو اسی لیے میرا موقف جو ہے وہ اب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے جن کو نکالیں گے وہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے, اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ مثالیں اور بھی آئیں گی, میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ بیان کرتا رہوں گا. اب چلیے اگلی حدیث. حدثنا عبداللہ ابن المسندیو حدثنا ہشام اخبرنا معمر عن الزہری عن ابی ادریسا عن عبادۃ ابن صامت قال بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رحت فقال ابایعکم علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتون ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تاسونی فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فاخذ به فی الدنیا فہو کفارۃ وطہور ومن سترہ اللہ فذلک الی اللہ ان شاء عذبہ وان شاء غفر له. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے جی اس حدیث کو دیکھیے کہ عبادہ بن صامت یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جو انسانوں کا گروہ تھا اس کو راحت کہتے ہیں, ان کے اندر میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی. تو
हमारी बैत के अल्फाज ये थे कि हम आपकी बैत करते हैं कि हम एक तो किसी चीज़ को अल्लाह के साथ जो है वो शरीक नहीं बनाएंगे, और हम चोरी भी नहीं करेंगे, हम बदकारी भी नहीं करेंगे, अपनी औलादों को कत्ल भी नहीं करेंगे, और ना जो है वो बहतान जिसका ताल्लुक जो है वो इंसान के हाथों और पाँव के दरमियान होता है। ये वो जिंसी आज़ाद जो है वो इसके अंदर आते हैं कि इंसान जो है वो उनके अंदर जब बेहतियाती करता है तो या आज़ाद होता है तो फिर बदकारी का मुर्तकिब हो जाता है। तो वलाता अच्छा, अब ये चीज़ें जो हैं अगर बयान करते तो सैकड़ों हैं, तो इसलिए फिर एक लफ्ज़ ऐसा बोल दिया है जिसके अंदर सारा कुछ आता है। यहाँ तो ये कह दिया ना कि ये काम ना करो, और खुलासा आखिर में क्या है, वो खुलासा ये है कि वला तासोनी फी मारूफिन, भलाई के जो काम है तमाम के तमाम भलाई के काम जो है वो इस्लामी है उनके अंदर, गया कि ये बता दिया खैर शर, मारूफ खैर होती है और बुनकर जो है वो शर होती है, या खैर शर की बात जो है वो भी बता दी। तो भलाई के कामों में जो है वो दीन का काम भी शामिल है और जो रिफाई काम है वो भी शामिल है। तो इसलिए इस लफ्ज़ के साथ जो है वो तमाम का इहाता कर रही है। अच्छा, अब उसके बाद कहा कि फमन फा मिनकुम, जो इन चीज़ों पर पूरा उतरता है, अपनी बैत पर पूरा उतरता है, फाजरहू अल्लाह, तो उसका बदला तो अल्लाह के ऊपर है ना, और जिसको जो है वो दुनिया में सज़ा मिल जाती है किसी जुर्म की, तो ये अल्लाह की तरफ से आसानी है, नरमी है कि उसको अगर दुनिया में सज़ा मिल जाती है तो ये उस दुनिया की सज़ा जो है वो उसके लिए कफारा बन जाती है और गुनाहों की माफ़ी की बुनियाद बन जाती है। और इसके मुतालिक मैंने पहले भी ये वजाहत की थी कि शर्त ये है कि वो तौबा कर ले, इसलिए कि अगर तौबा नहीं करता तो फिर उसकी दो सज़ाएँ हैं। कुरान मजीद की ज़रायत बढ़िया है, नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु, बढ़िया ना, वारज़ुलहुम मिन ख़िलाफ़िन अव युनफ़ौ मिन अल-अर्ध ख़िज़्युन फ़िल दुनिया वलहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ाबुन अलीम है, अज़ाबुन अज़ीम है, अज़ाबुन अज़ीम है। ये दुनिया की सज़ा है और इसके साथ जो है वो आख़िरत की सज़ा। आख़िरत की सज़ा किसके लिए है? जो तौबा ना करे, जो तौबा कर ले, तौबा के बावजूद उसे दुनिया की सज़ा तो मिलेगी। कातिल जो है वो कत्ल से तौबा कर लेता है फिर भी उसको क़िसास तो लिया जाएगा उससे। इस तरह शराबी जो है वो तौबा कर ले, जो उसकी सज़ा जो है वो दुनिया के अंदर हदूद तो नाफिज होंगी, लेकिन ये है कि ये तो सिर्फ दुनियावी रसवाई है कुरान मजीद की रूह से, और आखरत का अज़ाब जो है वो बाकी रहेगा। लेकिन आखरत का अज़ाब जो है वो अल्लाह की मशीयत पर मबनी है, जब तक अल्लाह चाहे। नहीं, वो असल में बागियों के बारे में है ना, असल में पीछे जो जिक्र चल रहा है ना, नमाज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु, वहाँ मुराद बगावत है। तो ये बगावत की सज़ा है। बगावत की सूरत हाल ये है कि बगावत तो होती है कि एक निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है खड़े हो जाना, जब निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई खड़ा हो जाता है तो बगावत कहलाती है, लेकिन अगर वो निज़ाम की इताअत कर ले यही उसकी तौबा होती है। तो इसलिए इल्लल्लज़ीन ताबू, ये सिर्फ बगावत के बारे में है, बागी को तो माफ़ कर दिया जाएगा अगर वो तौबा कर ले। यानी निज़ाम के तहत आ गया, जो उसकी गलती थी उसने छोड़ दी, लेकिन बाकी सज़ाएँ नहीं माफ़ होती। जी, उसने आज चोरी कर ली, किसी को नहीं पता इसने चोरी की है। हाँ जी, उसने किसी को बताया? जी, बूढ़ा होकर उसने कहा कि यार ना, मैंने यानी बचपन में मैं चोरियां करता रहा हूँ। जी, तो क्या उसको सजा देंगे? नहीं, सवाल ये है कि वो चोरी अगर उसने इकरार कर लिया है, वो किसके सामने इकरार किया है? अगर हाकिम के सामने इकरार किया फिर तो सबूत जो है, अगर वो इकरार करता है और उस पर कायम है तो उसको सज़ा मिलेगी। हाकिम के पास जब चला जाए फिर माफ़ी नहीं हो सकती। इसीलिए पता है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फातिमा नामी औरत जिसने जो है वो मामला जो था उसका अमानत में खयानत का या चोरी का था, तो उसके बारे में जब अल्लाह के रसूल के पास आ गई तो सिफारिश आ गई उसामा बिन ज़ैद की। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे मैं उसका भी याद कर लूँ। और बल्कि एक वाक्य में लोगों ने कहा कि जी हम माफ़ करते हैं, जब सज़ा की बात हुई, कहा आप नहीं,
अब मामला हाकिम के पास आ गया, अब हाकिम की जिम्मेदारी है कि उसने जो है वो इसका फैसला कर रहा है। नहीं, वो एक और है जी, तो एक आदमी किसी ने चादर चुराई थी जी हाँ, तो वो उसको पकड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया जी। आपने फरमाया इसका हाथ काटो। उसने कहा जी मेरे इस इतनी चीज के बारे में इसका हाथ काटा जाएगा? आपने फरमाया हाँ, उसने चोरी की है। तो उसने कहा जी मैं माफ करता हूँ। आपने फरमाया मेरे पास लाने से पहले माफ। हाँ, मैंने आपको बता दिया, ये सारी हदीसें बता रही हैं कि चलिए ज़रा और आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा, अब वमन सतरहुल्ला, और जिसको अल्लाह ढांक ले, फ़ज़ालिका इल्लल्लाह। अब ये मन सतरहुल्ला जो है, इससे मुराद तमाम गुनाह हैं, अकीदा हो, पोशीदा गुनाह हो या जारी गुनाह हो, इसी के अकीदा तो पोशीदा गुनाह है ना। कुरान मजीद ने है ना, लिल्लाह माफ़ी समावात माफ़ी अर्ज़ इन व इन तुब्दू माफ़ी अनफुसकुम औ तुख्फू हो जो हासिबकुम बिल्लाह। अगर कोई तुम गुनाह जारी करते हो, क्या मतलब अकीदा की बुनियाद पर जारी गुनाह इंसान करता है या उसको छुपा कर रखता है? अकीदा तो इंसान के अंदर होता है जब तक उसको ज़ुबान से जाहिर ना करे। अब सवाल यह है कि अगर जो है वो मुशरिक भी हो, एक बात है, तो इसके अल्फाज ये बता रहे हैं कि अल्लाह के साथ मामला है, यानी अगर अल्लाह चाहे तो मुशरिक को भी माफ़ कर सकते हैं। जरा आप आगे बढ़िए, ये एक और हदीस आगे आ रही है। नहीं वहाँ इसको नहीं, आप यहाँ सवाल ना करें, अगली हदीस पढ़ेंगे तो मज़ीद साफ हो जाएगा मामला। आगे चलिए ना, अब ये मामला जो है ना, एक शख्स ने तौबा नहीं, शिर्क की सिर्फ एक सूरत है कि तौबा करके इंसान अपनी इस्लाह कर ले, लेकिन यह कि यहाँ ये कोई कैद नहीं है। तो इसलिए अब मैं ज़रा अगली हदीस को पढ़कर फिर आपको बताऊंगा कि ये कैसे सूरत हाल बनती है। इसीलिए कहते हैं ना कि तालुम और तालीम के आदाब में ये है कि उस्ताद की बात ज़रा पूरी होने दें। और हदीसें भी तो है ना। उसके बाद है हद्दसना मुअल्लब बिन असदिन हद्दसना वहैबुन अन अय्यूबा अम मुहम्मदिन अन अबी हुरैरता नबी अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम कान लहु सित्तून इमरातन फ़क़ाला ला तूफन न लैलता अला निसाई फला तहमिलन्ना कुल उम्रातिन वला तलिदना नहीं वला तलिदन्ना फारिसन युकातिलु फी सबीलिल्लाह फताफ अला निसाई फमा वलदत मिनहुन्ना इमरातुन वलदत शिक्का गुलामिन क़ाला नबीयुल्लाह लौ काना सुलेमानु इस्तसना लहमलत कुल उम्र रात मिनहुन्ना फवलदत फारिसन युकातिलु फी सबीलिल्लाह। अल्लाह अकबर। वैसे मैं इसलिए अगली हदीसें पढ़ रहा हूँ कि इनका मफहूम जब मैं इकट्ठा बयान करूँगा तो ये जो सवाल पैदा हुआ ना, इसका जवाब उसमें आएगा जी। उसके बाद है हद्दसना मुहम्मदुन हद्दसना अब्दुल वहाब अस्सकफ़ी हद्दसना खालिद 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 अनिल हज़ाओ अन इकरमता अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يؤوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله قال الأعرابي بل هي هما تفور على شيخ كبير تزيره القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. آگے اس کے بعد ہے حدثنا ابن السلام، یہ محمد اور ابن السلام ایک ہی ہیں جی. أخبرنا حشيم عن حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه حين ناموا عن الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء فقضوا حوائجهم وتوضؤوا الى ان طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. الله اكبر. بس تو अब हदीसें अभी बहुत इस बाब की बाकी हैं, लेकिन मैंने जो जो बात कही है ना, वो इसलिए कही है कि मैं बाब को चलिए उसकी वजाहत कर देता हूँ। इनके तजमे मेरा ख्याल ये था कि शायद वो हदीस आ जाएगी जो मेरे सामने ज़रा ज़्यादा वाज़ह थी, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर आएगी, मज़ीद तशरीह हो जाएगी। अल्लाह की मशीयत पर कोई कदगन है? अगर अल्लाह ताला जन्नत के अंदर बहुत बड़ी मखलूक जन्नत को भरने के लिए जो है वो बग़ैर किसी अमल के जन्नत में दाखिल कर देते हैं,
ये अल्लाह का फजल है। और अल्लाह के फजल के बारे में कोई आदमी अल्लाह के मशीयत पर जो है वो कदकर नहीं लगा सकता। इसी तरह अगर अल्लाह ताला सारों को माफ़ कर दें, इबलीस को भी माफ़ कर दें, अल्लाह की मशीयत पर कोई कदगन है? अगर इस बात को आप समझ जाएंगे ना कि मैंने ये नहीं कहा कि वो बख्शे जाएंगे, मैंने अल्लाह की मशीयत की बात कही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले तो जिक्र आ गया है, और जिनका जिक्र नहीं आया वो अल्लाह की मशीयत पर है। तो इसलिए ये जो अल्फाज है ना कि अब वो मामला छुप गया, हद उसको लगी कोई नहीं। अब वो जिस तरह हद जो है वो आम आमाल पर लगती है, इसी तरह अकीदा अगर इंसान जो है वो जिंदगी को जाए तो क्या उसको हद नहीं लगती? जिंदगी की सजा भी खतर है। तो कहने का मकसद ये है कि इसलिए ये कहना कि ये अकीदा के अलावा आमाल हैं, ये ताबीर सही नहीं है। सही ताबीर ये है कि खा वो अकीदा हो या अकीदा के अलावा जो इंसान के जवारे के अमाल हैं, तमाम की तमाम जो है वो अल्लाह की मशीत पर है। इसलिए अगर अल्लाह सारों को माफ़ कर दें, इब्लीस को भी माफ़ कर दें, अल्लाह कोई पूछने वाला कोई नहीं है। तो वैसे चलिए मैं वो आपको कुरान की आयत बता देता हूँ ताकि यहाँ वाज़े हो जाए। आपको पता है कि ज़रा पढ़िए जी सूरत हूद की वो आयतें, वअम्मल लज़ीना शकू फ़िन नारे, हाँ जी पढ़िए ज़रा जी आगे, इल्ला माशा रब्बुक, चलिए आगे आगे चलिए, वअम्मल लज़ीना सईदू फ़िल जन्नते खालिदीन फ़ीहा इल्ला माशा रब्बुक। अच्छा उसके बाद है फ़ालुल लिमा युरीद, जहाँ जहन्नम का जिक्र है उसके बाद लफ्ज़ है इन्ना रब्बका फ़ालुल लिमा युरीद, और जो यहाँ लफ्ज़ है वो ये नहीं बोला। देखिए ना ये कुरान मजीद का सियाक़ व सिबाक़ ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ। वअम्मल लज़ीना सईदू फ़िल जन्नते खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावाति वल अर्ज़ु इल्ला मा शाअ रब्बुक, आगे अल्फाज क्या है? अतान गैर मजदूस, यानी ये टुकड़े टुकड़े जो है वो देने की बात नहीं है। गैर मजदूस का मतलब टुकड़ा टुकड़ा, अल्लाह का जो फजल है वो मुसलसल चलता रहता है। लेकिन ये जो लफ्ज़ है ना रब्बका फ़ालुल लिमा युरीद, इसके अंदर बड़ा ज़ोर है, वालग का सीगा बयान किया है, यानी मा दामत समावात वल अर्ज़ की तो हर तकरीब वाज़े है कि यौम तुबद्दल अल अर्ज़ु ग़ैरा अल अर्ज़, ये जो है क़यामत के दिन ज़मीन भी जो है वो पहली ज़मीन तो सारी जो है वो क़यामत के हादसे के साथ ही जो है वो सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ताला ज़मीन भी बनाएंगे और उसके नई ज़मीन भी होगी और नए आसमान भी होंगे। ये नए ज़मीन आसमान जो है ना, अब मादामत समावात वल अर्ज़ से मुराद जो है वो ये आसमान ज़मीन है, क्योंकि दुनिया तो ख़त्म हो चुकी है ना, तो यहाँ मादामत समावात वल अर्ज़ से मुराद जो है वो जो नई मखलूक होगी ना आसमान और ज़मीन की जो तख्लीक होगी, फिर वो मुराद है। इसके लिए इस्तिस्ना पैदा कर दी है, मादामत समावात वल अर्ज़, ये तो मुहावरा है कि वो हमेशा रहेंगे, लेकिन इल्ला माशा रब्बुक, ये जो इस्तिस्ना है ना, क्या मतलब है कि अल्लाह की मशीयत जो है वो आज़ाद है, अल्लाह की मशीयत पर कोई कदर नहीं। इसीलिए मैंने जो है वो आपको ये तौजीह की थी कि ये अल्लाह की मशीयत पर मबनी है। सिफारिश औरों की सिफारिश ख़त्म, अल्लाह की मशीयत जो है वो सिफारिश के बारे में आज़ाद है, अल्लाह पर कोई कदर नहीं है। तो ये कुरान की आयत जो है ये मेरे सामने है, इन्ना रब्बका फ़ालुल लिमा युरीद, जो रब इरादा करता है जो है वो रब जो है वो बहुत ज़ोरदार तरीके से कहते हैं कि उस पर अमल अल्लाह करने वाले हैं, कोई रुकावट नहीं बन सकता अल्लाह के खिलाफ। तो फिर अब जो है वो आप कदगने क्यों लगाते हैं? हमारी अकल का और हमारे फैसलों का अल्लाह पाबंद नहीं है, हमारी अकल जो है वो मखलूक अकल है और वो कामिल होती नहीं, तो इसलिए अल्लाह की जो अकल है वो कामिल है और वह लतीफ़ुल ख़बीर भी है।
तो इस एतबार से अल्लाह की मशीयत पर कोई गदर नहीं है। यानी अगर अल्लाह ताला जो है वो शैतान को भी, मैं एक बात कहता हूँ, सबसे बड़ा गुनाहगार तो वो है जिस दुनिया को गुमराह करने वाला, अगर उसको भी अल्लाह माफ़ कर दें, कोई है पूछने वाला? उससे बड़ा मुशरिक कौन है? तो इसलिए मैंने इसकी तशरीह की थी कि ये अल्लाह की मशीयत पर मबनी है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम उसकी ताबीर करें और उस ताबीर का अल्लाह पाबंद हो। ये असल में हमारा गलत ज़ोम है। हमारा, हमारी ताबीर, हमारा इल्म है, अल्लाह हमारे इल्म के पाबंद नहीं है। अल्लाह अपनी मशीयत के मुताबिक काम करते हैं। या फालू मायशा इन रब्बका फ़ालुल लिमा युरीद। अच्छा जी, चलिए अब उसके बाद अगली हदीस ये है कि हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा ये कहा, आपकी 60 बीवियाँ थीं, बाद रवायतों में 70 है, बाद रवायतों में 90 है, बाद रवायतों में 100 भी है, 99 भी है, इस तरह भी है। तो उसके मुतालिक अब चूँकि हदीस के जो माहिरीन होते हैं उनका तरीक़ेकार ये होता है कि तमाम रवायतों को जमा करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी जमा की सूरत उन्होंने ये बनाई है कि बीवियाँ 60 थीं लेकिन बाकी लौंडियाँ थीं। तो इस एतबार से उन्होंने इसको जमा करके जो है ना इसका एक ऐसा मफहूम पेश किया है जमा की सूरत के। तो आपने क्या कहा हज़रत सुलेमान ने कि आज की रात जो है मैं अपनी जो औरतें हैं उनके पास जाऊंगा और हर जो औरत है वो हामिला होगी और लाजमन वो एक शाह सवार को जो है वो जन्म देगी, फारिस शाह युकातिलु फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रस्ते में क़ताल करेगा। फताफा अला निसाही, तो उन्होंने ये जो बात कही इसके मुताबिक उन्होंने जो है वो अपनी बीवियों के पास गए, एक रात में अपनी 60 बीवियों के पास गए, उनमें से किसी ने जो है वो बच्चा नहीं जन्म दिया, सिर्फ एक औरत ने बच्चा जन्म दिया, लेकिन वो जो बच्चा था वो भी नाकिस था, माजूर होगा। माजूरी जो है वो दोनों किस्म की हो सकती है, जिस्मानी भी नफ्सियाती भी। जिस्मानी और नफ्सियाती का फ़र्क है, इसीलिए ये जो आयत है ना इसकी तशरीह के अंदर जो है वो बड़ी अहमियत है। वो कैसे वो लफ्ज़ हैं जी कुरान के, जिसके अंदर ये जिक्र आता है कि हज़रत सुलेमान ने के तख्त अपने तख्त पर वाल काला कुर्सी यही जसदन सुमान, आप जसद से मुराद जो है ये नाकिस है। और इसके मुतलिक मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि क्योंकि अला जसदन का लफ्ज़ बोल दिया है तो वो जो था ना वो ज़हनी तौर पर मौजूद था, उसको नफ्सियाती इमराज थे, जिसम उसका पूरा था। तो ये देखिए वहाँ तशरी तो कोई नहीं है, तशरी में इम्कान है, आप जो जो भी तफसीर हो सकती है आप कर दें। तो हदीस में जो आया ना कि वो रजुल का एक हिस्सा था, तो इसका मान लिया कि जिस्मानी एतबार से पूरा लेकिन नफ्सियाती एतबार से, ज़हनी एतबार से जो है कमतर। तो इसलिए ये जो है यहाँ जो शिक्का गुलाम है इसके माने ये नहीं है कि वो माजूर था, इसलिए वो तफसीर जो है मुझे अच्छी नहीं मालूम होती जिसके अंदर यह कि जिस्मानी तौर पर माजूर था, क्योंकि लफ्ज़ जसद बोला है और जसद का लफ्ज़ जो है वो उस पर बोला जाता है जिसकी जो है वो ज़हनी और नफ्सियाती कैफियत जो है वो नाकिस हो। चलिए काला नबीउल्लाह है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लौ काना सुलेमानो इस तसना, अगर सुलेमान इंशाल्लाह कह देते तो लहामरत कुल उम्र इमरातिन मिन हुन्ना, तो हर औरत हामला होती, फवलदत फारिसन, और फिर वो ये है कि वो शाह सवार को भी जो है वो जन्म देती। युकातिलु फी सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह के रस्ते में लड़ाई भी लड़ता। तो ये बताया है कि जब इंसान हज़रत उस सुलेमान को बड़ा ही एतमाद था,
بلکہ بعض روایات کے اندر کچھ اس کی وضاحتیں یوں موجود ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ جی آپ انشاءاللہ کہیں تو انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور یہ بھی بات روایتوں میں ہے کہ فرشتے نے کہا آپ انشاءاللہ کہیں، انہوں نے پرواہ نہیں کی، یعنی اتنا زیادہ اعتماد تھا. اور ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ معاہدے کے اندر انشاءاللہ نہیں لکھتے، وہ اس لیے کہ اگر معاہدے کے اندر انشاءاللہ کہہ دیں تو معاہدہ پکا نہیں ہوتا، پکا معاہدہ جو ہے اس کے اندر انشاءاللہ نہیں لکھا جاتا. ارادے کے بارے میں انشاءاللہ ہوتا ہے، لیکن پکا معاہدہ جو ہے اس کے اندر ہمیں ارادے کا اختیار نہیں ہوتا. اگر انشاءاللہ لکھ دیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے پکا معاہدہ نہیں کیا. یہ مسئلہ میں نے شرعی مسئلہ آپ کو بتایا ہے کہ معاہدے کے اندر انشاءاللہ نہیں لکھا جاتا. تو اب یہاں جو ہے وہ اصل بات وہی ہے، استثناء. اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو مشیت ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے. اب سلیمان نبی جن کو اللہ نے وہ بادشاہی دی جس کی مثال کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود دیکھیے کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اپنی مراد جو ہے وہ، حالانکہ انہیں اعتماد بھی بہت تھا، تو وہ خدا نہ کرے اللہ کے نافرمان بھی نہیں تھے، لیکن بھول ہو گئی. اسی لیے قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یعنی اگر تو بھول جائے تو اس کے بعد اس کی تلافی کر. یہ نہیں کہ انسان بھول گیا تو تلافی نہ کرے، ایسے الفاظ بولے جس سے تلافی ہو جائے. تو چلیے جی، اگلی حدیث جو ہے وہ حدثنا محمد، میں نے بتایا نا کہ محمد سے مراد محمد بن سلام ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ایک صحرائی آدمی پر، بدو صحرائی لوگوں کو کہتے ہیں نا، کہ ایک صحرائی آدمی پر جو ہے وہ آپ داخل ہوئے تاکہ اس کی عیادت کریں. تو آپ نے اسے جو ہے تسلی دینے کے لیے کہا کہ لا باس علیکا، تجھے کوئی ڈر نہیں ہے، تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے. لا باس علیکا، تجھ پر کوئی مطلب ہے ڈر نہیں ہے. اس کا بیماری کا ایک فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ تو طہور انشاءاللہ. ویسے تو طہور بھی جائز ہے لیکن مبالغے کا صیغہ ہوگا. طہور کا معنی یہ ہے کہ یہ تجھے پاک کرنے والی ہے. طہور جو ہے وہ صفت مشبہ ہے نا، اور طہور جو ہے یہ بستر ہے. تو لیکن میری کتاب کے اندر جو زبر درن ڈالی ہوئی ہیں اس میں پیش ہی ہے. آپ کے بھی پیش ہے؟ نہیں، زبر ہے. میں اسی لیے دارالسلام کے بارے میں خاص طور پر تبصرہ کے یہ کرتا ہوں کہ اس کے جو لوگ ہیں نا، میں نہیں کہتا لکھنے والوں نے غلطی کی ہے، لیکن اس کے جو پروف ریڈر ہیں نا وہ ہمیشہ ناقص لوگ ہوتے ہیں. کتاب بہت خوبصورت چھپتی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی، اس لیے کہ وہ عبد المالک مجاہد صاحب تو اس کے باہر ہے طبعات کے، باقی عالم تو ہیں نہیں. تو اس لیے جن لوگوں کو وہ چنتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، اس لیے کہ انما یعرف الفضل من الناس، وہ علماء کو تو علماء ہی پہچانتے ہیں، ورنہ ہمارے عوام کی عادت ہوتی ہے جس کی شہرت زیادہ ہو اس کے مرید ہو جاتے ہیں، اس کے مقلد بن جاتے ہیں شہرت کی وجہ سے. اچھا جی چلیے، تو آپ نے جب یہ لفظ کہے ساتھ کہا انشاءاللہ، یعنی کہ اللہ نے چاہا تو تیری گناہوں کی صفائی ہو گئی. اللہ کی چاہت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اس صحرائی نے جو دوسرا پہلو لے کر جو ہے وہ کہا کہ یعنی آپ نے تو الحمدللہ علی ذالک، اسی لیے حکم ہے کہ اگر انسان کو تکلیف بھی آئے نا تو الحمدللہ علی ذالک کا لفظ کہے، اور اگر کوئی خوشی پہنچے تو الحمدللہ، تکلیف پہنچے تو الحمدللہ علی ذالک، یعنی اس پر بھی اللہ کی تعریف ہونی چاہیے. تو اچھا پہلو جو ہے وہ اللہ کے رسول نے یہ اختیار کیا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں ہو گئے. اسی لیے جب کسی کو کوئی تکلیف گزر جاتی ہے تو عام طور پر میں جو ہے وہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جو تکلیف پہنچی ہے وہ تو گئی، اب وہ تو گناہوں کی معافی ہو گئی، اور باقی جو معاملہ ہے وہ پھر اب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اب وہ کیا کہتا ہے سارائی؟ کہتا ہے بل ہی ہما تفور، یہ تو ایسا بخار ہے جو مجھ پر جو ہے وہ چڑھ رہا ہے. اور کس پر چڑھ رہا ہے؟ علی شیخ کبیر، ایک بوڑھے آدمی پر جو بہت بوڑھا ہے.
تو زیروح القبور, اور یہ بخار ایسا ہے جو اسے قبروں کی زیارت کروائے گا, مطلب یہ موت تک پہنچا دے گا. اب اللہ کے رسول نے تو ایک اچھا پہلو لیا تھا, اور اللہ کی مشیت کی امید پر جو ہے وہ یہ اچھا پہلو لیا تھا. اب اسے جب برا پہلو لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تو برا پہلو لیتا ہے تو فنا میزان. پھر اسی طرح جیسے تو کہہ رہا ہے, اور بیان یہ کرتے ہیں کہ اگلے دن ہی وہ مر گیا تھا وہ آدمی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اچھا پہلو جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کی مشیت پر اعتماد بھی ہونا چاہیے, اور اچھا پہلو جو ہے وہ ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. چلیے جی, میں اس پر جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں. اگر کہ وہ مجھے خیال تو تھا کہ وہ حدیثیں آ جائیں, لیکن اب چونکہ یہ مسئلہ میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی مشیت پر کوئی قدغن نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا اللہ تیرا شکر.